आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मेडिकल की कट ऑफ से लेके कॉलेज से लेके कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितनी फी है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी बहुत सरप्राइज हो जाएंगे जान के कि इतनी कम फी में भी MBBS हो जा रहा है बिहार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कितनी कट ऑफ जाती है, बहुत कम कट ऑफ भी जाता है, तो आपको कंप्लीट कट ऑफ से लेके आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है, किस कैटेगरी वालों के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि कंप्लीट कितनी फी आपको MBBS में लगने वाली है, इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस एंड अदर चार्जेस कंप्लीट मिला के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड, काफ़ी डिमांड आ रही थी, सो दैट मैंने इस वीडियो को लेके आया है। और फर्दर भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे ही स्टेट की विदिन वन वीक हमारे चैनल पर रिलीज होने वाला है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, और चलिए अभी फर्दर बात करते हैं। तो बिहार में हमारी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें से आती है KMCH, आप सभी को पता होगा, कटिहार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। पहले इसकी कट ऑफ राउंड वन और राउंड टू के बारे में 2023 की बात करेंगे, उसके बाद आपको फी वगैरह के बारे में इंडिविजुअली बता दिया जाएगा। आप सारे कुछ नोट करके रखें जो भी मैं बता रहा हूँ, एक एक करके आप एक कॉपी उठाइए, पेज उठाइए, पेन उठाइए और नोट कीजिए। राउंड वन की इसकी जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ जो है वो 484 गई है, वही अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर लें तो राउंड वन में 331 गई है। हम लोग अगर राउंड टू के बात कर लें तो UR के लिए 464 गई है और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 308 मार्क्स गई है। ठीक है, वही हम लोग अब बात करते हैं माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज की। तो किशनगंज वाले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी बात कर लें तो अनरिजर्व के लिए 449 मार्क्स, 449 एंड सिख माइनॉरिटी के लिए 192 मार्क्स गई है। वही अनरिजर्व के लिए 430 मार्क्स गई है राउंड टू में, और सिख माइनॉरिटीज़ के लिए 177 मार्क्स गई है। अब बात कर लेते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम। सासाराम की कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप सभी को पता होगा, और ज़्यादातर बच्चे वहीं जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में बता दें, अनरिजर्व के लिए राउंड वन में 311 मार्क्स, 311 मार्क्स पे MBBS क्लोज हो गई है। वही राउंड टू की बात कर लें तो 264 मार्क्स पे क्लोज हो रही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा। ओके, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 237 मार्क्स जा रही है। उसके बाद दूसरी अगर राउंड टू की बात कर लें तो अनरिजर्व के लिए 162 मार्क्स जा रही है। ठीक है, ये है इसकी। उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज MMC, ओके, इसकी बात कर लें तो अनरिजर्व के लिए 185 मार्क्स। और दूसरी चीज़ मधुबनी वाली कॉलेज की बात कर लें MBBS के लिए, अनरिजर्व के लिए 185, और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 97 मार्क्स गई है। वही अनरिजर्व के लिए 138 एंड मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 97 मार्क्स गई है इन राउंड टू। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज NSMC, जो कि बिहटा पटना के नज़दीक है, और हम रेकमेंड करेंगे अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आपको डेफिनेटली ये कॉलेज को प्रीफर करना चाहिए, काफ़ी नाम है इसका। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 163 मार्क्स गया है और अनरिजर्व राउंड टू के लिए 126 मार्क्स गई है। अब हम लोग बात करते हैं श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट सहरसा, इसकी बात कर लें तो अनरिजर्व के लिए 200 मार्क्स गई है और राउंड वन में, और राउंड टू में अनरिजर्व के लिए 175 गया है। वही अगर बात कर लें हम लोग राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें, आपको मॉप अप राउंड में अनरिजर्व के लिए 150 मार्क्स गई है। तो ये हमने बिहार में जो भी मेडिकल कॉलेज है उनकी कटअप बता दिया। अब बजट क्या हो सकती है आपकी, उसके बारे में कंप्लीट हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपकी कितनी फी लगेगी, कौन से कॉलेज में कौन सा फी कितना लगेगा। इससे पहले बता देने से आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आपको कुछ भी नहीं जा रहा है, आप आसानी से कर सकते हैं अप्लाई। आपको कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेके कॉल भी कर सकते हैं, आपको काउंसलर कॉल भी कर लेंगे, और आपको कुछ दिक्कत है नहीं, परेशानी है नहीं, तो फिर आपको एप्लीकेशन करने में क्या जाता है, एटलीस्ट अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है तो आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या सही से आपके लिए हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर पिंड कमेंट में भी मैं कोशिश करूंगा लिंक को डाल दूं, तो वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए बिहार प्राइवेट MBBS कॉलेज की पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नारायणा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सासाराम वाली जो कॉलेज है उनकी टोटल जो फी है वो 4.5 इयर्स की पे करनी होती है, लाइक 46,71,000, 46,71,000 टोटल फी है आपको, ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड मेस लगा के 13,50,000 हो जाएगा। वही अदर ईयरली चार्ज की बात करें 6,75,000 हो जाएगा, एडमिशन चार्जेस आपको 50,000 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रिफंडेबल डिपॉजिट जो कि आपको रिफंड हो जाएगा बाद में, वो डिपॉजिट आपको 2,00,000 रुपये की करनी होगी। ठीक है, टोटल बजट एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 66,46,000 हो जाएगा। ओके, वहीं अगर एडमिशन के टाइम में आपको कितना पे करना पड़ता है तो आपको बता दूं 17,38,000 आपको कंप्लीट एडमिशन के टाइम में पे करना पड़ता है। इसमें हो सकता है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इसमें इंक्लूड हो जाए। वही माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज की बात कर लें हम लोग, तो इसकी ट्यूशन फी आपको 43,33,500 पड़ जाएगी, हॉस्टल एंड मेस की 16,50,000 पड़ जाएगी, अदर ईयरली चार्जेस आपको 9,00,000 पड़ जाएगी, एडमिशन चार्जेस आपको 50,000 पड़ जाएंगे, रिफंडेबल डिपॉजिट 1,00,000, टोटल आपको 69,33,500 कंप्लीट आपको पड़ेगा कंप्लीट MBBS की पैकेज। वही 16,13,000 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन या फिर उस टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं KMCH कटिहार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, तो 42,00,000
7500 आपको कंप्लीट देना पड़ेगा ट्यूशन फी। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस की बात कर ले तो 16,50,000 हो जाएगा। अदर ईयरली चार्जेस की बात कर ले तो 5,40,000 हो जाएगा। और एडमिशन चार्जेस आपको यहाँ पे जीरो लग रहे हैं, बस जीरो, तो आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो, ठीक है। रिफंडेबल डिपॉजिट की बात कर ले तो 1,00,000 रुपये आपको रिफंडेबल डिपॉजिट देनी पड़ेगी। टोटल फीस की बात कर ले 63,97,500 आपको यहाँ पे पड़ जाएगा। भाई हम लोग बात कर लेते हैं टोटल अमाउंट एडमिशन के टाइम कितना पे करना है, तो 14,55,000 पे करना है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात कर ले तो 60,75,000 है आपका ट्यूशन फी। हॉस्टल एंड मेस को लगा के 16,500 है, 5,000 है, नहीं सॉरी 16,50,000 है। वही अगर हम लोग बात कर लें डेवलपमेंट चार्जेस की तो 2,25,000 है, जो कि हमारी NITs में भी काफ़ी लगती है, ठीक है। उसके बाद ईयरली जो है आपको वो 1,00,000 लगेंगी। और टोटल बजट एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 82,25,000 लग जाएगा, ठीक है, आपको कंप्लीट। उसके अलावा टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 18,50,000 आपको देना पड़ेगा। बट कॉलेज अच्छी है, मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि आपको जाना चाहिए, ओके, अगर आपकी ठीक ठाक बजट है तो। अब वही लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा की बात करें तो 54,00,000 इसका कंप्लीट ट्यूशन फी है। 13,50,000 ये है आपका हॉस्टल एंड मेस चार्ज। ईयरली चार्ज और एडमिशन चार्ज कंप्लीट जीरो है, 0,00,000, यस। सो आपको रिफंडेबल डिपॉजिट ओनली 50,000 आपको लग रहा है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी बेहतर है। अब टोटल बजट रिफंडेबल सिक्योरिटी के एक्सक्लूड करते हैं तो टोटल बजट यहाँ का 67,50,000 होता है, तो डेफिनेटली आपको 15,50,000 एडमिशन के टाइम में देना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टेंटली। अगर आपका ये बजट है तो आप डायरेक्टली जाइए और हमारे काउंसलर को कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको कंप्लीट आगे प्रोसेस बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे एडमिशन हो जाएगी आपको, वो आपको एडमिशन दिलाने तक सारा हेल्प ही करने वाले हैं वहाँ पे, ओके। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेता NSCH यानी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा की, बिहटा वाली कॉलेज, काफ़ी बेहतर कॉलेजेस हैं। 72,00,000 आप इसको ट्यूशन फी लगेगा इसका, 16,00,000 आपको हॉस्टल एंड मेस चार्जेस लग जाएंगे, रिफंडेबल डिपॉजिट 2,00,000 लग जाएंगे, 88,00,000 कंप्लीट आपको यहाँ पे खर्चे आने वाले हैं। बट लोकेशन इतनी शानदार है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे आगे इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। 21,20,000 आपको कंप्लीट एडमिशन के टाइम में जमा करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं श्री नारायणी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 58,50,000 ट्यूशन फी लगेगा। उसके बाद हॉस्टल एंड मेस की 13,50,000 लगेगा। टोटल 2,00,000 रिफंडेबल डिपॉजिट, जो कि आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। टोटल बजट आता है 72,00,000 रुपये, तो इतने 72,00,000 रुपये में आप यहां से कर पाएंगे और आपको एडमिशन के टाइम में 18,00,000 यानी 25% आपको देनी पड़ेगी ऑफ टोटल फीस। वही राधा देवी जेम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात कर ले तो यहां पे आपको 45,00,000 पड़ता है ट्यूशन फीस। हॉस्टल एंड मेस की बात कर ले 15,00,000, 10,00,000 आपको अदर ईयरली चार्जेस लगेंगे एंड टोटल 2,00,000 आपको रिफंडेबल अमाउंट लगेंगे। टोटल 70,00,000 आपको चार्ज लग जाएंगे, 4 साल के कंप्लीट खर्चे आएंगे, जो भी मैंने बताया ये इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसके अलावा आपका एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं होने वाला है, तो बहुत सस्ती है भाई। थोड़ी सी दूर चले जाओ, फॉरेन में तो इतने देके लोग कर रहे हैं और अपने हमारे यहाँ बिहार में मिल रहा है, हमारे अपने कंट्री में मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है यहाँ जाना चाहिए, ओके। यहाँ भी आपको 17,00,000 रुपये पहले पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा फर्दर कोई भी जानकारी चाहिए, फर्दर कुछ भी दिक्कत होती है, आप तो डायरेक्टली हमारे दिए गए फॉर्म को भरिए, हमारे काउंसलर तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, कुछ भी डाउट्स होती है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 24/7 अलाउड रहेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों जो दोस्त जो कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस की तैयारी करें उनके साथ बिल्कुल इसे शेयर करें। और अगले वीडियोस हमारी आज या कल में आने वाली है अदर स्टेट की, तो अगर आप लोग किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से या अदर स्टेट कहीं से भी, ऑल इंडिया से, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।